अपनी रैशनैलिटी को वो कंट्रोल करे और वो उस रैशनैलिटी को कंट्रोल तभी कर पाएगा कि जब वो 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 अपने इमोशंस के 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 ऊपर काबू करना वो जानता हो अगर किसी 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 की चीज साथ किसी के साथ किसी के साथ शख्स वाक्य इमोशनली ओवरलोड हो जाएगा तो ऑब्वियसली उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कंप्रोमाइज हो सकती है अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जिसके बारे में हमें केयरफुल रहना है रिलेटेड टू द टॉक्सिक हैंडलर और वो ये है कि द पर्सन जो कि डील कर रहा है दूसरों से

समटाइम्स आप अपनी मुकम्मल कोशिश के बावजूद भी सिचुएशन को या उस शख्स को या उन हालात और वाकत को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो आपको हो सकता है कि कोशिश करनी पड़े कि यू हैव टू अवॉइड और यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट दैट सिचुएशन सो लेट अदर्स ट्राई देयर लक कि वो उस सिचुएशन को टैकल वो कैसे करेंगे बिकॉज अगर आपकी इफेक्टिवनेस वहां पर क्रिएट नहीं हो रही तो देर इज नो यूज इन वेस्टिंग योर एनर्जी एंड एफिशंसी जस्ट बिकॉज ऑफ यू आर इमोशनली डिस्टर्ब और इमोशनली अटैच्ड

एमपथी एनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज आप अपनी तमाम तर काविश और कोशिश के बावजूद भी हर प्रॉब्लम को हल वो नहीं कर सकते हो सो यू हैव टू एस्टिमेट योर कैपेबिलिटीज यू हैव टू एस्टिमेट योर इंटेलिजेंस यू हैव टू एस्टिमेट योर कंपिटेंसीज एंड प्रोफिशंसीज और अगर आपने अपने आप को ज्यादा कर रखा है आपने सुपर अपनी कर रखी है, तो उस सूरत में आप हर मसले को हल करने की कोशिश वो करोगे चाहे कि आपके पास उस चीज की कंपिटेंसी प्रोफिशंसी कैपेबिलिटी हो या ना हो सो दैट वुड बेसिकली लीड टू योर स्ट्रेस एंड एंजाइटी एंड दैट इज समथिंग फॉर विच यू ऊपर हमें इन द टर्म्स ऑफ एम्पिथी वो डिस्कस करना है जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली फॉर अ टॉक्सिक हैंडलर और वो ये है कि आप हर शख्स के साथ इक्वल डील करने की कोशिश तो करोगे लेकिन हर शख्स के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करे दैट इज समाइम्स नॉट पॉसिबल सो हो सकता है कि बास लोगों के साथ आपको कंप्रोमाइज सिचुएशन में जाना पड़े बास लोगों के साथ एडजस्ट करना पड़े बाज लोगों को अवॉइड करना पड़े बास जगहों को पर कोलैबोरेट करना पड़े तो हर शख्स के साथ डील करते वक्त आप की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंटली मैच वो कर रही होगी एंड वी हैव टू बी केयरफुल कि पर हम अपने अपने रोल को को बेहतर अदा कर सकते हैं और कहां से हमें आप हटा लेना चाहिए लास्ट नॉट द लीस्ट पॉइंट इन दिस इज कि जब आप एम्पेथी की बात करते हो तो अलॉन्ग नीड टू हैव सेल्फ अवेयरनेस यू नीड टू हैव सेल्फ रेगुलेशन यू नीड टू हैव मोटिवेशन एंड सोशल इंटेलिजेंस बिकॉज आपका ओवरऑल जो इमोशनल इंटेलिजेंस का फ्रेम है वो इन पांचों चीजों के मरकब से बनेगा देर इज नो डाउटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनग्रीडियंट बट एट दू नीड टू बी सेल्फ अवेयर यू नीड टू हैव सेल्फ रेगुलशन और सेल्फ कंट्रोल यू नीड टू कम अपन एंड यू नीड टू कम अपल इंटेलिजेंस डियर स्टूडेंट्स टॉक्सिक हैंडलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है और उसको इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए और वो अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को थ्रू प्रैक्टिस इंप्रूव कर सकता है बीइंग अ लीडर बीइंग एन इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन यू नीड टू फोकस अपॉन द फैक्ट कि आपने दूसरों के साथ डील कब करना है और किन के साथ डील करने के लिए आपको अपने फोकस को ज्यादा लेकर आना है और कहां पर आपको सिचुएशन से निकल जाना बेहतर होगा